तेज गति से चली आ रही बेकाबू बोलेरो कार ने दो बाइक सवारों को रौंद डाला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवारों के पर हच्चे उड़ गए और दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें आनंद फानंद में छर्रा CHC में उपचार के लिए ले जाया गया। वहां से दोनों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। वहीं दोनों बाइक सवारों की उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों बाइक सवार आपस में घनिष्ठ मित्र थे। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के अंतर्गत तेज गति से आ रहे बोलेरो कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बोलेरो में तीन लोग सवार थे। बाइक सवार दादों से जरूरी काम के लिए छर्रा आ रहे थे, तभी बरौली बम्बा के निकट बेकाबू बोलेरो कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवारों के परखच्चे उड़ गए, साथ ही बोलेरो कार भी बम्बे में जा गिरी, जिससे कार में बैठे तीन लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को छर्रा CHC में भर्ती कराया, लेकिन वहां से दोनों बाइक सवारों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मेडिकल में दोनों बाइक सवार रजत महेश्वरी व उनका मित्र मोहसिन खान की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पूरी घटना की छानबीन शुरू कर दी है। दो लोगों की मौत से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये हादसा मेरे दोनों मित्र रहत और मोहसिन यहाँ से छर्रा से जिम करके अपने घर वापस दादों लौट रहे थे। अचानक बुलेरो से भिड़ंत हो गई, जिससे बुलेरो नियंत्रण होकर खाई में गिर पड़ी और मेरे दोनों मित्र रैयत और मोहसिन जो बाइक सवार थे, दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जिनके अलीगढ़ मेडिकल में उपचार के लिए भेजा था, वहाँ दोनों की डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, बोलेरो चालकों का क्या हुआ? जो बोलेरो चला रहे थे उनका क्या हुआ? वो भी तीनों लोग अनंत रूप से ही घायल हो चुके हैं। वो उनका भी इलाज मेडिकल में चल रहा है। ज़्यादा तेज स्पीड थी बोलेरो? अब ये तो प्रत्यक्ष रूप से कोई कह नहीं सकता, मगर जो देखने के पता चलता है कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से भिड़ंत हुई है। पता चलता है कि हमारे दोनों ही साथी गंभीर रूप से चोट लगते, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि घटना स्थल पर गाड़ी की स्पीड दोनों की समान। ये थाना छर्रा क्षेत्र में कल शाम की घटना है। वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था कल रात को, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर दो युवक जा रहे थे। तुरंत ही वहाँ पर एक पीछे से बोलेरो गाड़ी आई और उसने गाड़ी मोटरसाइकिल पर टक्कर मारते हुए खुद जो बोलेरो गाड़ी थी वो एक सूखे गड्ढे में वहीं पर गिर गई, जिसमें कि दो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर थे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई उनको हॉस्पिटल ले जाते वक्त, और बाकी जो बोलेरो में सवार तीन व्यक्ति थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वो घायल अवस्था में अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी तरफ से तहरीर मिल गई है और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों की तरफ से, और इस पर जो है आगे मुकदमा लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तेज रफ्तार के कारण एक बार फिर से दो परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। तेज रफ्तार के कारण इससे पहले भी अनेक हादसे हो चुके हैं, लेकिन विडंबना यह है कि तेज रफ्तार से सबक अभी तक नहीं लिया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में तेज रफ्तार पर कितना नियंत्रण लग पाएगा। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।